राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के आदर्श नगर पंजाब नेशनल बैंक शाखा के बाहर का है, जहां बदमाशों ने एक व्यापारी से 7.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार सुशील कुमार ने बताया कि वह स्कूटी से पंजाब नेशनल बैंक जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बदमाश उनसे जबरन थैला छीन ले गया, जिसके अंदर कुछ चेक भी थे। बदमाश सामने से आया और अपने साथी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इस मामले के बाद पीड़ित कारोबारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर से आया था, मेरी डिग्गी स्कूटी के अंदर कैश था। मैं कैश निकाल के बैंक के गेट पे पहुंचा हूं, मेरे हाथ से केला छीन के गए हैं। कितने पैसे थे? 7.5 लाख रुपए जी। क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? क्या उसमें क्या फोटेज नजर आ रही है कि नहीं? सिर्फ पैरों की आई हुई है। अच्छा, अभी पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस ने अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, फुटेज चेक कर रहे हैं। आस पास कैमरे लगा हुआ, उसमें भी चेक करने की कोशिश की है? हाँ, चेक करने की कोशिश की है, उसमें आ गया है।